नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल विद स्कॉर्पियो की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने स्कॉर्पियो में कौन सा लाइट का सेटअप किया है। सेटअप सबसे पहले जो मैंने लाइट चेंज करी थी वो थी मेरी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में जो मोस्टली बल्ब यूज़ होता है वो होता है HID। अब स्कॉर्पियो में जब मैंने LED यूज़ की थी एक बार तो उसमें वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। सो मैंने उसके बाद फिर ये मैंने मई में 2019 में जो गाड़ी अप्रैल में ली थी तो मैंने पहले तो LED लगा के देखी थी तो वो मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने ये वाली HID लगाई इसमें, तो ये वाली HID का जो रिस्पॉन्स है ये काफ़ी अच्छा आया है। और ये एक बल्ब है जो है इसका, मतलब एक ब्लास्ट है वो 35 वॉट का है, पर जो स्कॉर्पियो में स्टॉक बल्ब लग के आता है वो 55 वॉट का हैलोजन होता है। तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये 35 वॉट का है तो इसका ब्राइटनेस कम होगी। जी नहीं, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। जो लाइट में ब्राइटनेस का डिफरेंस आता है वो आता है ल्यूमिनस से, कितनी ल्यूम्स की लाइट है। ये हैलोजन कम ल्यूम्स की होती है, ये ज़्यादा ल्यूम्स की है। और ये 6000 केल्विन है, सो ये प्योर वाइट लाइट है। और इसी के साथ जो मैंने इसमें कॉम्बिनेशन लगाया था फॉग लाइट में, वो लगाया था मैंने ये फिलिप्स का। फिलिप्स की लाइट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि जो इसका विदाउट हेडलाइट भी अगर मैं अंधेरे में चलाता हूँ तो ये मेरा प्रॉब्लम बिना हेडलाइट जलाए भी ये काफ़ी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स देती है सिर्फ फॉग लाइट के थ्रू। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ इन दोनों की, तो ये लाइट जो फॉग लाइट है मेरे को पड़ी थी 4500 की और ये पड़ी थी मेरे को 8500 रुपये की। ये वाली थोड़ी सी इसलिए कॉस्टली थी क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम लाइट है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है 2022 तक। सो जब तक ये चल रही है मैं चला रहा हूँ, वरना इसके बाद अगर मैं कोई HID चेंज करूँगा तो उसके भी मैं अपडेट दूंगा। तो चलिए मैं सीधा नाइट के व्यू में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि लाइट का रिस्पॉन्स कैसा आता है। सो अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने अपना जो लाइट का सेटअप किया है स्कॉर्पियो में, उसका अंधेरे में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अभी पूरा रात हो चुकी है, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, तो अभी मैं आपको इसका हाईवे का भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। बेसिकली अभी तो हम काफ़ी नॉर्मल जो गांव के रास्ते पे हैं, तो ये जो सेटअप है मैं आपको बताता हूँ ये कैसा आ रहा है इस रात में। तो अभी एकदम पिच ब्लैक सिचुएशन है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अब लाइट का रिस्पॉन्स कैसा कैसा आ रहा है। पार्किंग ऑन करना भाई, तो ये तो पार्किंग लाइट का रिस्पॉन्स है। तो इसमें ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, इसमें ये रनिंग लाइट्स हैं रेड रंग की, तो इसका इतना रिस्पॉन्स है। अब भाई फॉग लैंप ऑन कर दे, ये केवल फॉग लैंप का है रिस्पॉन्स। ये देखिए आप फ्रंट से भी दिखाता हूँ, ये केवल फॉग लैंप का रिस्पॉन्स है अभी। ये देखिए ये केवल फॉग लैंप का है, फिलिप्स की जो उसमें फॉग लैंप डली थी H11, ये उसका रिस्पॉन्स है। इस एंगल से आप देखिए इसका रिस्पॉन्स अच्छे से, ये देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, ये कितना वाइड है। अब भाई लो भी ऑन करते और फॉग लैंप ऑफ करते। ये HID है ओजराम की, जो मैंने आपको दिखाया था इसमें पहले बहुत इससे पहले पार्ट में, तो ये 2 से 3 सेकंड का वर्क लेती है बूस्ट होने में। ये भी बूस्ट हो रही है, अब ये स्टैम पे पूरी बूस्ट हो चुकी है। तो आप इसका देखिए रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, ये देखिए ये है यहाँ तक, ये जो यहाँ तक आपका ये फॉग लैंप आ जाता है, इसके बाद जो इसका स्प्रेड है ये पूरा आगे तक जा रहा है। देखिए आप ये केवल फॉग लैंप ऑफ करने के बाद जो लो बीम का रिस्पॉन्स है वो है, ये देखिए। अब भाई हाई बीम ऑन कर दे, ये हाई बीम है, डिपर दियो भाई, ये देखिए ये है इसके डिपर का रिस्पॉन्स। अब मैं अंधेरा करता हूं तो ये देखिए ये है इसका डिपर, अब इसमें मैंने ये फॉग लैंप भी ऑन कर दी है, तो फॉग लैंप के साथ इसका रिस्पॉन्स देखिए प्रॉपर कितना आ रहा है नाइट में। अब मैं इसका हाई बीम भी ऑन करता हूँ, तो ये पूरा हाई बीम और फॉग लैंप के साथ का रिस्पॉन्स है जो नाइट में आ रहा है। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा हाईवे पे और अभी पहले मैं दिखाता हूँ कि कच्चे रास्तों में अंदर से कैसा रिस्पॉन्स दिखता है। तो ये काफी दूर तक स्प्रेड हो रही है लाइट, और यहाँ से देखिए आप ये सेंटर ड्राइविंग पोजिशन से ये कैसा दिखता है, ये देखिए। अब मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके दिखाऊंगा इसके बाद कच्चे रास्तों पे, इसके बाद हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाईवे पे भी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और अभी जो रोड पे चलूंगा उसका रिस्पॉन्स बताता हूँ मैं आपको। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो अभी आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है। तो अब मैं सबसे पहले पार्किंग ऑन करता हूँ, ये मैंने पार्किंग लाइट ऑन कर दी है, ये है फॉग लाइट, ये मैंने फॉग लैंप ऑन कर दी है। अब मैं करूंगा इसका लो बीम ऑन, ये मैंने लो बीम ऑन कर दी है विद हाई बीम। अब मैं हाई बीम को ऑफ करता हूँ, तो ये हाई बीम ऑफ करने के बाद लो बीम प्लस फॉग लैंप का रिस्पॉन्स। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसा चल वर्क कर रही है इन कंडीशनों में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप हाई बीम में LED यूज कर रहे हैं तो उसको केवल आप नाइट में डिपर के लिए यूज करिए,
एलईडी रिफ्लेक्टर्स में काफी हजार्ड होती है जो सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए होती है, पर अगर आप एक्सप्रेस वे में चलते हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक्सप्रेस वे का भी रिस्पॉन्स बताऊंगा। तो देखिए ये काफी अंधेरा है इस रोड पर, इधर पूरी जंग, इधर झाड़ियां हैं, इधर पूरी फेंसिंग है, और मैं रोड पे चल रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस लाइटों का। ये देखिए आप, अभी हम पूरे अंधेरे में चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एकदम ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पर। अब मैं गाड़ी पक्के रोड से उतार के कच्चे रास्ते पे लेता हूँ। तो देखिए एक काफ़ी ख़राब रास्ता है, खेतों का रास्ता है ये। अब इसमें लाइट का रिस्पॉन्स देखिएगा आप कितना आता है। मैं आपको लिए अब फॉग लैंप ऑफ करता हूँ और केवल लो बीम दिखाता हूँ HID का रिस्पॉन्स। ये जो केवल आप देख रहे हैं ये केवल HID का रिस्पॉन्स है इन रास्तों में। ये देखिए ये केवल HID है। अब इसके बाद मैं फॉग लैंप ऑन करता हूँ और साथ ही में अब मैं हाई बीम भी ऑन करता हूँ जो कि मेरा LED है। ये हाई बीम का है, ये देखिए हाई बीम। आप अगर आप देख सकते हैं तो हाई बीम वहाँ उन जो पेड़ है वो काफ़ी दूर है, उन पेड़ों तक हाई बीम पड़ रही है। अगर मैं हाई बीम ऑफ करूँ, ये देखिएगा ये हाई बीम ऑफ है, ये हाई बीम ऑन है। बस इधर थोड़ी सी लाइट आ रही है और पीछे से एक गाड़ी आ रही है शायद। हाँ जी, पीछे से गाड़ी आ रही है। अब मैं इस लाइट को ऑफ करता हूँ और आप देखिए हेलोजन का क्या रिस्पॉन्स आता है। हेलोजन वाला हाई बीम पर है और मैं लो बीम पर हूँ। तो ये देखिए ये हेलोजन वाली बुलेरो निकल गई है, इसका रिस्पॉन्स देखिएगा। अब मैं अपनी हाई बीम ऑन करता हूँ। ये मेरी हाई बीम ऑन है, ये देखिए आप कितना फ़र्क आ रहा है उसकी लाइट और इस लाइट में जो हेलोजन स्टॉक होती है, हेलोजन के स्प्रेड में और ये HID के स्प्रेड में। HID की हाँ ये खास बात एक रहेगी, अगर आप प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं तो HID जो है प्रोजेक्टर में काफ़ी स्प्रेड आता है एंगल, तो आपको हाईवे पे काफ़ी वो फ़ायदा मिलता है। अभी आप देखेंगे इसके बाद कि मैं हाईवे पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इन लाइटों का। अगर मैं ये बंद कर दूँ फॉग लैम्प, तो ये देखिए कहाँ तक ये स्प्रेड हो रही है। यही अगर मैं इसके बाद फॉग लैम्प ऑन करता हूँ गाड़ी की, तो फॉग लैम्प भी जो फिलिप्स की है, मैंने इससे पहले भी कुछ कंपनियों की हेडलैम्प में यूज़ की थी फॉग लैम्प पे, तो उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया था निकल कर जितना ये फिलिप्स की में आया है। अब मैं ऑन करूँगा फॉग लैम्प, देखिएगा साइड में कैसा आ रहा है रिस्पॉन्स। ये देखिए तो ये काफ़ी नीचे तक कवर कर रहा है। अगर मैं लो बीम बंद कर दूँ, ये लो बीम ऑफ है, तो अकेला फॉग लैम्प का ही रिस्पॉन्स आप देखिए इतना अच्छा है। तो काफ़ी लोगों के अंदर मिथ रहता है कि फॉग्स में ये वाइट लाइट्स होती हैं फॉग लैम्प पे, ये वर्क अच्छा नहीं करती, ये गलत है। मैंने काफ़ी डेंस फॉग सिचुएशन में गाड़ी यूज़ चलाई है और इन्हीं क्या बोलते हैं फॉग लैम्प्स के साथ जो कि फिलिप्स के साथ इंस्टॉल्ड है उनके साथ मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड आता है। इवन जो हेलोजन्स वाले होते हैं, बस हेलोजन में आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि फॉग का कलर जो होता है वो वाइट होता है और हेलोजन येलो होता है, तो थोड़ा मोड़ा हाई बीम पे और लो बीम पे दिख जाता है। पर यही अगर आपका फॉग लैम्प में LED है, तो नीचे का जो फॉग्स जो मोस्टली आता है तो वो ऊपर की सरफेस पर आता है, एकदम रोड के नीचे नहीं रहता है। तो इन वाइट लाइट से फॉग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सो अब मैं लो बीम ऑन करता हूँ। ये मैंने लो बीम ऑन कर दिया है, थोड़ा सा ओस रैम है तो थोड़ा सा एक दो तीन सेकंड लगते हैं इसको बूस्ट होने में, पर अगर आप यही अच्छी कंपनी का, जैसे आजकल एक जिमर की HID बहुत चली है तो उसमें 1 सेकंड बूस्ट होता है। ये 35 वॉट की है, जी हाँ ये 35 वॉट की HID है, ये 55 वॉट 65 वॉट वाली नहीं है। क्योंकि जिस टाइम मैंने ली थी, मैंने 2019 में ये पूरा सेटअप चेंज किया था और 2020 के जनवरी में मैंने फिलिप्स की LED इंस्टॉल की थी उसमें। HID मैंने यूज़ की थी मई 2019 से, गाड़ी मैंने ली थी अप्रैल में 2019 में और मई में मैंने इसमें HID डलवा ली थी। तो ओजराम की HID अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है एज कम्पेयर टू बाकी जो कंपनियाँ हैं। मैंने बाकी यूज़ नहीं करी अभी तक, ये मेरी ख़राब नहीं पड़ी है पर इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो मेरे को चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी देखिए मैं काफ़ी कच्चे रास्तों पर चल रहा हूँ, ये काफ़ी गड्ढे हैं इधर और ये कैसे, अब ये देखिए काफ़ी आगे एक बम्पी रोड है, ये काफ़ी बड़ा बम्प है ये। अब मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता हूँ तो देखिएगा इन लाइटों का स्प्रेड, देखिए लाइटों में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद भी जो देखिए, ये देखिए गड्ढे में इस पर चढ़ाता हूँ गाड़ी, ये देखिए निकल गई, काफ़ी दूर तक है इसका स्प्रेड, तो मेरे को साइड में भी दिक्कत नहीं होती है। और अगर टर्निंग पे मैं लूँ तो कॉर्नरिंग लैंप भी इसमें काम अच्छे से कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये टनल के अंदर जा रहे हैं और आप देखिएगा कि जो स्कॉर्पियो में है शेयरिंग काटने पे कॉर्नरिंग लैंप्स काम करती है, उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है। मैं अब हाई बीम ऑफ करता हूँ तब आपको पता चलेगा। देखिए मैं यहाँ से हैंडल काटूंगा और देखिएगा कॉर्नरिंग लैंप कैसे काम करेगी। ये देखिए ये अब इसकी कॉर्नरिंग लैंप ऑन हो गई है, सामने से गाड़ी आ रही है।
मैं अगर ऊपर चढ़ाता हूँ तो देखिएगा ऐसी कॉन्ट्रिंग लैंप कैसे काम करेगी। अभी ये हाई पे दी मैंने, अब मैं हैंडल काटूंगा तो ये देखिए ऐसे कॉन्ट्रिंग हेडलैम्प खुल चुके हैं। और ये इतना क्विक है कि ये जैसे ही हैंडल काटोगे आप ये तुरंत खुल जाएंगे, ये देखिए अब ऑफ हो गए। तो चलिए अब मैं आपको हाईवे का रिस्पांस बताता हूँ, इन हेडलाइट्स का हाईवे में क्या रिस्पांस आता है। तो अब हम चल रहे हैं एक्सप्रेसवे से, अब अंधेरे में आते हैं तब मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम आगे बढ़ तो रहे हैं और अब हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए जब भी आप गाड़ी में ड्राइव करें कार। तो ये देख सकते हैं अब आ रहा है अंधेरा। अब मैं नॉर्मल एंगल पर आ जाता हूँ कैमरे के और आप देखिएगा क्या रिस्पॉन्स है। ये देखिए अब मैं हाई बीम ऑन करता हूँ तो अब हाई बीम का रिस्पॉन्स देखिएगा। ये देखिए हाईवे पे हाई बीम का, मैं इंडिकेटर देके सेंटर लेन पे आता हूँ और आप देखिएगा ये लाइट कहाँ तक स्प्रेड हो रही है। इनफैक्ट मेरे पीछे भी एक वाइट रंग की हेडलाइट के साथ एक गाड़ी आ रही है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसके भी वाइट कलर्स हैं, तो देखिएगा इसका जो स्प्रेड है और इसके स्प्रेड में अंतर देखिएगा। मैं अपनी साइड लेन पे हूँ सेंटर वाली पे, ये क्रेटा गाड़ी है। ये देखिए इसका जो बीम पैटर्न है और स्कॉर्पियो में जो मैंने कस्टमाइज़ किया बीम पैटर्न उसका, ये देखिए जो स्प्रेड आ रहा है वो देखिए उसका स्प्रेड बस एक लिमिटेड पोजीशन पर है। अगर यही मैं साइड वाले लेन पर जाता हूँ ओवरटेक लेन पर तो मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखिएगा कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए काफ़ी वाइड फॉग लैंप्स के वजह से और HID की वजह से काफ़ी वाइड हो जाता है। यही अगर आप प्रोजेक्टर पे LED यूज़ करेंगे तो ये जो आगे गाड़ी निकल गई क्रेटा, इसमें इस बंदे ने प्रोजेक्टर पे LED सेटअप यूज़ किया। तो LED का ये रहता है कि वो ऑन तो इंस्टेंट हो जाती है पर जो उसका वाइड लाइट का स्प्रेड होता है वो इतना नहीं होता खास। अगर मैं अगर इसमें हाई बीम भी ऑफ कर दूँ तो आप ये देखिएगा कि इसका स्प्रेड कितना, अगर मैं फॉग लैंप भी ऑन कर दूँ ये देखिए तो ये काफ़ी दूर तक स्प्रेड आ रहा है इस चीज़ का, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने फॉग लैंप ऑन करी, अभी मैं हाई बीम भी ऑन कर दी। तो HID का ये सबसे ज़्यादा फायदा रहता है। हाँ ये थोड़ी कॉस्टली आती हैं पर आजकल 6,000-7,000 रुपये में भी काफ़ी अच्छे HIDs मिल चुकी हैं, मिल आने लगी है मार्केट में। पर अगर आपको जैसे आप स्कॉर्पियो में ही करना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो में जो स्टॉक बल्ब आता है वो ओसराम का आता है 55 वॉट का हैलोजन। आप अगर मैं बोलूँ अगर आप चेंज ही कर रहे हो और अगर आप हेडलाइट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हेडलाइट ऐसी चीज़ है कि आप मोस्टली अगर घर के बाहर निकलेंगे रात के टाइम तो आप अंधे ना हो, क्योंकि अंधा मेरा इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी हेडलाइट ख़राब होती तो ये काफ़ी दिक्कत आपको सिचुएशन में डाल सकती है। सो हमेशा हेडलाइट में अगर आपको कस्टमाइजेशन जब भी फ्यूचर में करना है तो आप थोड़ा सा बजट लेके चलिए और थोड़ा सा महंगा कस्टमाइजेशन करिए और थोड़ा सा स्मार्ट करिए, ब्रांडेड चीज़ में जाइए। जैसे आप फिलिप्स ले सकते हैं, ओसराम ले सकते हैं, जिमर की HID का भी मैंने काफ़ी सुना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इनके बाद एक तो और कंपनियाँ होंगी जिनको मैं नहीं जानता हूँ पर उनका भी हो सकता है रिस्पॉन्स अच्छा, पर जो ओसराम और फिलिप्स है, फिलिप्स तो खैर शायद HID इंडिया में नहीं बेचता है, LEDs बेचता है। तो अगर आप फिलिप्स की LED यूज़ करते हैं हाई बीम पे और फॉक्स में तो वो आपको एक अच्छा रिलायबिलिटी देती है और उसकी अच्छी खासी लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि मैंने जो अपनी HID कन्वर्ट करवाई थी इसमें हेलोजन टू HID आया था, मैं 2019 में आया था और अभी तक गाड़ी तकरीबन 77,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी 2019 से अब तक, और हेडलाइट ने आज तक कभी मेरे को धोखा नहीं दिया है। हाँ इससे पहले मैं जो हाई बीम पे LED यूज़ करता था वो मैं यूज़ करता था किसी और अननोन ब्रांड की, पर अब मैंने इसमें एक LED यूज़ करी है जो मेड इन इंडिया ब्लॉकबस्टर की। तो उसका रिस्पांस जो कि मेरे को आगरा मिल गई थी 3,500 रुपये में H7 65 वॉट, तो उसका काफ़ी अच्छा अभी तक मेरे को रिस्पॉन्स मिला है। इससे पहले जो मैं यूज़ करता था हाई बीम पर वो मैं यूज़ करता था C6 कोई कंपनी है उसकी LED यूज़ करता था, नाइट आई में यूज़ किया था मैंने हाईवे में। तो लोग कहते थे कि नाइट आई अच्छी है, नहीं भैया मेरी नाइट आई मुश्किल से 6 महीने चली होगी, जब मैं हरिद्वार ट्रिप में था तो वो दिल्ली के सामने आते आते तक ही ख़राब हो गई थी। सो उसके बाद मैंने एक इंडियन ब्रांड ब्लॉकबस्टर लिया है अभी, तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है मेरे को अभी तक इसका जो रिस्पॉन्स है। सो यही था मेरी स्कॉर्पियो का लाइट का सेटअप जो मैंने अपनी गाड़ी में करवाया था। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।